नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद बढ़िया। रघुनाथपुर में कोरोना से महिला की मौत। सिवान जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के लघुसा निवासी नरेंद्र तिवारी की 75 वर्षीय पत्नी मनोरमा देवी का सोमवार की शाम कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। वह बीते 4-5 दिनों से बीमार थी। सोमवार की शाम अचानक तबीयत बिगड़ी तो उन्हें परिजन रेफरल अस्पताल लाए, जहाँ उनकी मौत हो गई। बताते चले कि मृत महिला का एक लौता पुत्र राजेश तिवारी का भी गत 19 फरवरी को बहरीन में कोरोना से मौत हो गई थी। रघुनाथपुर से प्रसन्नजीत चौरसिया की रिपोर्ट। अभिनीत कुमार तिवारी 2 महीना पहले बहरीन में इनके पुत्र कोरोना पॉजिटिव होकर उनका मौत हो गया। क्या नाम था पुत्र का? राजेश कुमार तिवारी। उसके ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं लिया जी। अभी इनका कोरोना पॉजिटिव निकला, कोरोना की वजह से इनकी मौत हो गई जी। इसके बाद से अभी सरकार के तरफ से यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, लाश वो सब हम अपने हाथ से पैक कर रहे हैं जी। इसके बाद से यहाँ पर ले जाने के लिए कोई व्यवस्था सुविधा नहीं है। देख लीजिए सरकारी अस्पताल के कर्मी लोगों को अंतिम संस्कार के लिए सरकारी खर्च कुछ नहीं मिला अभी तक, ना कोई ई आया ना कोई पॉजिटिव। कैसे मालूम है कि पॉजिटिव है? अभी आकर यहाँ पे टेस्ट अभी आज मतलब जी, मतलब मरने से पहले या मरने के बाद? जी ना, वो हम लोग आ रहे थे, उसके बाद से इनका हालत गंभीर था, लेकर आए तो इनका पल्स मीटर नहीं बता रहा जी। उसके बाद से इनको कोरोना टेस्ट हुआ, कोरोना पॉजिटिव थी, तब तक ये मौत हो गई जी। मतलब ऑक्सीजन, मतलब सांस लेने में इनको तकलीफ हो रही थी, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की दिक्कत थी।